अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, आज मैं आपको फेसबुक से यूके का अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगी। उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने जो भी प्रोडक्ट्स की प्रमोशंस करनी है उसके लिए हमें यूके की ट्रैफिक चाहिए। जब हमें यूके की ट्रैफिक चाहिए तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग फेसबुक के ऊपर अकाउंट ऐसा बनाएं जहाँ पे हमारे पास यूके की ट्रैफिक आए या यूएसए की आए या बाहर की जो भी है, हमें उसकी ट्रैफिक लेनी है ताकि हमारे प्रोडक्ट्स को वो ईजिली परचेज कर सकें। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने यूआरएल में टाइप करना है प्रोटॉन वीपीएन। ये जब हमने टाइप कर लिया इसको एंटर कर दें। यहाँ से हमने गेट प्रोटॉन वीपीएन नाउ, हमने इसको फ्री में डाउनलोड करना है, हमने इसका परचेज वर्जन नहीं यूज़ करना। यहाँ से हमने फॉर एवर फ्री इसको डाउनलोड करना है। ये हमारा स्टेप नंबर वन होगा। प्लीज़ हर स्टेप को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। कंटिन्यू विथ फ्री। इसके बाद जब ये हमारा ओपन हो जाएगा, पेज ओपन होगा, तो हमने ईमेल एड्रेस देना है यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड अपना दे देंगे। और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे हमने क्लिक कर देना है। अब हमने ईमेल एड्रेस जाके चेक करना है। वहाँ पे जाके हमने ये देखना है कि हमारा वेरिफिकेशन कोड क्या आया है। यहाँ से जीमेल अकाउंट में जाएं। और जो सा ईमेल एड्रेस आपने टाइप किया है उसी ईमेल एड्रेस पे जाके आपने अपना वेरिफिकेशन कोड को आपने वेरीफाई करना है। यहाँ पे ईमेल आ गई। यहाँ से हमने इसका कोड को हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी करके यहाँ पे जाके हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ वेरीफाई हो गया। अब ये हमारा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसमें हमने अब डाउनलोड करना है प्रोटॉन वीपीएन को। डाउनलोड प्रोटॉन वीपीएन, ये जो लेफ्ट साइड पे बाहर आ रही है यहाँ पे, इसको हमने डाउनलोड कर लिया। ये डाउनलोड हो जाए तो हमने इसकी एक्सटेंशन को ओपन करना है। ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास प्रोटॉन वीपीएन आ गया। इसको ओपन कर लें। यहाँ से रन को क्लिक करना है और ये देखना है यहाँ पे ये अब ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कनेक्टेड लिखा आ गया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपने जाना है, ये सारे हमारे पास कंट्रीज आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अब जिस कंट्री से भी कनेक्ट करना है हमने वो उसको जाके क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने पहले कर लिया था, यूनाइटेड स्टेट में जाके मैंने, ये मेरा डिस्कनेक्ट आ रहा है, मैं डिस्कनेक्ट नहीं करूँगी। यहाँ पे आप दोबारा यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा कनेक्ट हो गया हुआ। अब मैं यहाँ पे इस वक्त यूके से कनेक्टेड हो चुकी हूँ। आपका यहाँ तक जब कनेक्टेड हो जाएगा उसके बाद आपने अपने इस
ये जो आपकी इसके डेस्कटॉप के ऊपर आपकी ये राइट साइड के ऊपर जो टाइम जोन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोगों ने अपना टाइम यूके के लिहाज से एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, अपनी सेटिंग्स में जाना है। जब हम सेटिंग्स में जाएंगे, आपके जो लैपटॉप की सेटिंग्स हैं उसमें आपने जाना है। ये हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इसको क्लिक करें। यहाँ पे हमारा टाइम एंड लैंग्वेज आ रहा है। अब हम लोगों ने अपना टाइम उसके लिहाज से एडजस्ट करना है। हमारा यूके में, सॉरी, जो यूएस में हमारा टाइम जा रहा है इस वक्त, हमने उसके लिहाज से मैनेज करना है। यहाँ पे देखना हमारा ये टाइम कौन सा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमने इसको, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना सिंक्रोनाइज किया हुआ है। यहाँ पे ये टाइम हमारा, इसके बाद सिंक नाउ को क्लिक कर देना है। अब मेरा टाइम और यूएस का टाइम जो है वो सेम हो चुका है। तक अब आपकी वर्किंग हो चुकी है। इसके बाद हमने अब क्या करना है कि हमने अब दोबारा अपने गूगल के ऊपर जाना है, ठीक है। यहां से हमने गूगल टाइप किया। अब हमने क्या करना है, हमने एक एजम्पशन हमने करनी है, हमने एक फर्जी नाम रखना है हमने कोई भी, ठीक है। यहां से फिर हम जाएंगे WHOER.net, इसको हमने एंटर कर दिया। यहाँ पे जाके हमने एक अपना एक एजम्पशन हमने रखनी है, हमने हमने एक नेम एज्यूम करना है। ये देखें, ये अब हमारा पहले यहाँ से हमने अपना टाइम जो है ना उसको हमने कंफर्म करना है कि ये मेरा जो है ये 100% ही हो। अगर हमारा टाइम सेम नहीं होगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने अपना टाइम को सेम करना, जो मैंने अभी आपको बताया था वो हमने इसे यहाँ से मैच कर लेना है टाइम को। उसके बाद हमने अपना ईमेल एड्रेस हमने बनाना है। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा क्या है कि हमने यहाँ से जाके फेसबुक के ऊपर जाना है, facebook.com। ये जब ओपन हो जाएगा तो हमने क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। यहां से मैं जाती हूं, यहां से मुझे दोबारा अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपका अगर कोई भी प्रीवियस अकाउंट है तो उसको आप लॉग आउट कर दें। क्रिएट न्यू अकाउंट। अब हम लोगों ने अपना कोई भी एक ईमेल एड्रेस हमने रखना है, अपना कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे रोजी नेम रखा था, ठीक है, रोजी और हार्पर, तो हमने कोई भी अपना फर्जी नाम रखना है। अब इसी तरीके से हमें अपना ईमेल एड्रेस भी हम लोगों ने अपना कोई एक रखना है जो कि हमारा ओरिजिनल ना हो। अब हमने जाना है tempmail.com पे, ठीक है, टेम्प मेल। यहाँ पे आपने गूगल में जाना है और गूगल में जाके आपने टेम्प मेल लिख दिया। अब आपने इसमें सर्च करना है ये वाला temp/mail.org, इसके ऊपर हमने जाना है, ठीक है।
यहाँ पे जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे ये टेम्परेरी ईमेल एड्रेस दे देंगे, ये लोडिंग हो रही है। यहाँ पे अभी हमारा ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा ईमेल एड्रेस आ गया, इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसको मैंने यहाँ पे आके लिख दिया, कंट्रोल वी किया, दोबारा मैंने अपना एंटर किया और यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। यहाँ पे मैंने अपनी जो भी करनी है, क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ हमने लगा ली, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ओरिजिनल लगानी है तो ठीक है, लेकिन आपकी 20+ एज लाजमी होनी चाहिए इसमें। फीमेल साइन अप, अब ये हमारा फेसबुक अकाउंट बन चुका है, ठीक है। इसमें अब हमने सेंड क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट में जाना है, यहाँ पे हमने सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके दोबारा सेटिंग्स में जाना है। आपने प्लीज इसी तरह एक एक स्टेप को फॉलो करना है, कोई स्टेप आपका स्किप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी कंफर्मेशन आ रहा है, यहाँ पे इसको जाके व्यू कर दें। यहाँ पे गेट स्टार्टेड, यहाँ पे प्रोटेक्ट योर अकाउंट, ठीक हो गया। अब ये सारा आपका टेक्स्ट मैसेज आएगा, आपने यहाँ पे अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, आपने अपना मोबाइल नंबर देना है और वहाँ से आपका उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो भी होगा वो आपका कोड वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने उसको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद फिर आपने इसको वेरीफाई करके आपने इसको रख देना है ऐसे, ठीक है। जब आपका ये टेक्स्ट मैसेज के जरिए आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर वो आपसे कंट्री पूछेंगे, आपने कंट्री पाकिस्तान ही की देनी है और उसमें फिर आपने अपना मोबाइल नंबर वगैरह ऐड करना है और उसके बाद फिर आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा कि हमने दोबारा अपने प्रोफाइल में जाना है ताकि हम कंफर्म करें कि हमारा आईडी यूके वाला क्रिएट हो चुका है या नहीं। यहाँ से अकाउंट में आ गए, सेटिंग्स, यहाँ से दोबारा सेटिंग्स में आ गए, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड लॉगिन, ये देखें यहाँ पे सामने विंडोज पीसी न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट एक्टिव नाउ, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हमने इसको 2 दिन के लिए, एटलीस्ट हमने 3 दिन के लिए हमने इसको छोड़ देना है। हमने 1 दिन 2 दिन के बाद हमने जाके फिर इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करनी है। वो जो नेक्स्ट वर्किंग क्या होगी उसके फिर मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बना के भेजती हूँ।